है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत दिन लगा दिए इस दफा वापस आने में। तुम्हें तो पता ही है, बेटे के पास गई, 6 महीने रही, फिर बेटी आ गई, वो भी 1 महीना रुक के न्यूजीलैंड ले गई। न्यूजीलैंड, वो तो बहुत प्यारी जगह है ना? बहुत प्यारी जगह है वाकई। पहाड़ों के दामन में बेटी का घर था, मगर भाई वहाँ हम जैसों के लिए नहीं है। देखो ना, ना पास ना पड़ोस, ना कहीं मिलना ना जुलना, और फिर माहौल भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। ठीक कह रही है, हम जैसे ऐसे शोर शराबे में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुख सुख बांटने वाले वहां नहीं रह सकते। सही कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे बाबा को सुना बहुत अफसोस हुआ। बाबा बस अचानक चले गए आंटी। सुना क्यों, मेहमा की तो शादी हो गई है? जी। तो फिर तुम अकेले यहाँ पे कैसे रह रही? बस थोड़ी सी हिम्मत आ गई, बाकी बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब बस जरा मुझे डॉक्टर के जाना है, वो एनुअल चेकअप के लिए। फिर इंशाल्लाह बैठते हैं किसी वक्त, ठीक है? जरूर आइए। चलो, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओ हेलो, ये तुम्हारा वन साइडेड रोमांस कब तक चलेगा? जब तक वो अपने अंजाम तक ना पहुंच जाए। इसका अंजाम क्या होगा? अनुषा से मोहब्बत का इजहार। फर्ज करो अनुषा मान जाती है, तुम अपने बाबा को कैसे मनाओगे? देखो, अगर अनुषा मान गई ना तो बाबा को तो मना ही लूंगा। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? यकीन से इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। यार ये सब किताबी बातें। हाँ, क्योंकि किताब जिंदगी का ही अक्स होती है। आज तुम्हारे लहजे में बड़ा यकीन है। हाँ, कल से ज्यादा यकीन है, और उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि मैं बाबा को मना ही लूँ। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? युसरा एक लड़के को लाइक करती है और बाबा उसकी बात फौरन मान गए, जबकि उस लड़के को जानते भी नहीं है। और यहाँ तो मैं बात अनुषा की कर रहा हूँ, जो कि उनके दोस्त की बेटी है, तो मुझे यकीन है कि मैं को मना लूंगी। मुझे अच्छा लगा, कम से कम अब तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए सोचा तो सही, वरना मुझे तो लगता था कि तुम लड़ने से पहले ही हार मान लोगे। वकास, अपनों से लड़ा नहीं जाता, अपनों को मनाया जाता है। बाबा को मैं मना लूंगी। सुबह अंडे बॉईल करना मत भूलना और फ्रेश जूस निकाल लेना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय तो पिलवा दे। हाँ नसरीन, बेटा एक स्ट्रॉन्ग सी चाय भाई के लिए बना के लाओ। जी अच्छा। तो डिनर पे कहाँ थे? आपके अब्बा पूछ रहे थे। अब वो दोस्त के साथ जो था खाने पे गया था, उसका भी दिल चाह रहा था बड़े दिनों से कि बाहर खाना खाएंगे, तो बस बाहर ही खाना खा लिया। अच्छा किया, दोस्तों को वक्त देना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो तो मैसेज कर दिया करो ना फारूक को, वो परेशान होते रहता है। आप ठीक कह रही, आइंदा ऐसा नहीं हो, ख्याल रखूंगा। इट्स ओके। आज अनुषा से मिला था। कहाँ? किसी स्टोर पे, वो शॉपिंग कर रही थी। ओ हाँ, ग्रोसरी करने जाना था उसको, मेरी बात हुई थी, मैंने कहा रुक जाओ मैं साथ चलती हूँ, मानी नहीं। आजकल ना खुद से सारे काम करने का भूत सवार है मैडम पे। अच्छी बात है ना, बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कैसे करेगी, भाई ने तो सारी जिंदगी उसे हाथ का छाला बना के रखा, और रही सही कसर जो रह गई थी वो मैंने पूरी कर दी। कभी घर से निकली नहीं ना, तो सोचती हूँ कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। हाँ लेकिन आप और किसी की हेल्प भी नहीं लेती, हेल्प करो तो बुरा मना आ जाती है, बल्कि मुझे तो डांटना शुरू होगी सबके सामने। हाँ आजकल बस। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं ना अभी फोन करके अच्छी तरह क्लास दूंगी उसकी।
नहीं नहीं, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं आपको, बल्कि यही तो बात मुझे उसकी अच्छी लगती है कि वो अपने फैसले खुद लेती है, इंडिपेंडेंट है उनमें, और उसे अपना राइट भी लेना आता है। सही कहा तुमने, वरना अक्सर लोग उसे बिल्कुल गलत समझते हैं कि शायद मुँह फट है, बदजबान है, अगर ऐसी बात नहीं। थैंक यू। हाँ, उसको चेंज भी नहीं करना चाहिए अपने आप, लेकिन लोगों का तो काम है बातें करना, और मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल लोगों को समझ आ जाएगी कि वो ऐसी है और वो बिल्कुल ठीक है। मीटिंग्स कैसी चल रही हैं? सुना है आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तुम्हारी ऑफिस में। पुअर लेडी, मर्दों को फांसने का ये जो हरबा है ना, ये बहुत पुराना है। आई गेस 1965 वाला हरबा अभी भी इस्तेमाल कर रही है। पहले रो रो के आंसू बहाए और तुम्हारे बाप को फंसा लिया, अब रो रो के जो आंसू बहा रही है वो हमदान से हमदर्दियां इकट्ठा कर रही है। हम बाबा को देखें, इतने इंटेलिजेंट बने फिरते, इन औरतों की हकीकत को नहीं पहचान पा रहे। दरअसल तुम्हारे बाबा की जो सोच और अकल है ना, वो सिर्फ उस वक्त काम करती है जब तुम्हें डांटना टपकना हो या जोर जबरदस्ती करना हो, वरना अपनी बीवी के हाथों तो बेचारा कठपुतली बना हुआ है। Yes. क्या कर रही थी? कुछ नहीं। आप यहां, आज मेरी याद कैसे आ गई? एक जरूरी बात करनी थी बेटा तुमसे। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक, पहले तुम कर लो। नहीं, पहले आप बात करें क्योंकि मेरी बात थोड़ी डिटेल्ड है। ठीक। एक्चुअली मैंने कासिम और उसकी फैमिली को इनवाइट किया घर पे। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं चाह रहा था कि तुम कासिम के बेटे से एक बार मिल लो। बाबा, इस मौजू पे हमारी बात हो चुकी है और मैं इनकार कर चुकी। देखो यसरा, जिस वजह से तुमने इनकार किया था, मैं उस शख्स को रिजेक्ट कर चुका हूं। रिजेक्ट? तो ठीक है ना, आपने रिजेक्ट किया उसे, मैंने नहीं। क्या मतलब इस बात? मतलब ये कि बाबा, उससे शादी मुझे करनी है, आपको नहीं। आर यू मैड, क्रेजी? उसके पेरेंट्स शादी के लिए राजी नहीं और तुम फिर भी? बाबा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स राजी हों या ना हों, वो तो राजी है ना, और इज्जत से, खुशी से निकाह करके मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं और मेरे लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं। यसरा, उसके पेरेंट्स उसकी शादी में राजी नहीं हैं तो मैं तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। आपको इजाजत देनी होगी बाबा, क्योंकि मैं नदीम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। व्हाट नॉनसेंस, तुम उस शख्स से शादी करने जा रही हो जिसके पेरेंट्स उसकी शादी में राजी नहीं है? क्या फ्यूचर है उसका? फ्यूचर? अगर फ्यूचर से मुराद दौलत है तो ठीक है, उसके पास नहीं दौलत, लेकिन वो एजुकेटेड है, बिजनेस माइंड है उसका। एक ना एक दिन पैसे भी आ जाएंगे उसके पास, लेकिन जो फर्दर क्वालिटीज है, मैं उसकी बात कर रही हूं। क्या क्वालिटीज है उसकी? उसकी सूरत? उसकी सूरत के साथ सारी जिंदगी गुजार लोगी तो? कर लूंगी मैं गुजारा बाबा, आप फिक्र ना करें। जो सर, तुम चाह रही हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें एक अंधे कुएं में धक्का दे दूं? तुम ना समझो, मैं नहीं, अभी जज्बात में आकर तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन जिस दिन हकीकत की दुनिया में कदम रखोगी, उस दिन तुम्हें अंदाजा होगा। मैं कभी भी तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम वही शादी करो जहां मैं चाहता हूं। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते बाबा। अगर आपने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
जिस तरह तुम होश में हो। हाँ बिल्कुल होश और हवास में मैंने ये बात की। तुम उस मामूली लड़के की खातिर मुझसे बगावत कर रही हो। वो मामूली लड़का होगा आपके लिए, लेकिन मेरे लिए मैं उसके लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन दुनिया के लिए उसे नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है बाबा। बेहतर होगा आप आसानी से मान जाए, नहीं तो मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इतनी ही पागल हूं। आप चाहें तो आजमा लें। युसरा कौन आ गया? अनुषा बेटा दरवाजा खोलो, मैं कुलसुम खाला। अनुषा बेटा, अनुषा कहाँ हो बेटा? अनुषा दरवाजा खोलो। कहाँ रह गई अनुषा? इतनी आजकल इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? बाबा के होते हुए तो एक दफा भी नहीं पूछा। सो तो नहीं कहीं गई अनुषा? मैं भी दरवाजा नहीं खोलती। हेलो, कैसी हैं अम्मू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस अचानक तुम्हारी याद आ गई, सोचा खैरियत पूछूं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन बस क्या बताऊँ। क्या हुआ है अनुषा, सब खैरियत है ना? मैं भी ना इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ, अपने साथ साथ उन्हें भी परेशान करूँगी। कोई मसला नहीं है अम्मा, बस बाबा की बहुत याद आती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी अपने पास। अम्मा फिर वही बात, हम कोई और बात डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा छोड़ें, आप बताएं वो युसरा और रैना आंटी कैसे? बहुत तंग कर रहे होंगे ना आपको। तुम दूसरों को छोड़ दो, अपनी बात करो। तुम्हें पता है मैं कितनी खौफजदा रहती हूँ? रहती तुम हो अकेली और डरती मैं रहती हूँ। अम्मो मैं ठीक हूँ, आपको बता चुकी हूँ, हम कोई और बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं लेने आ रही हूँ तुम्हें। अम्मो आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। चौखट का पत्थर अपनी चौखट पर ही मजबूत होता है, अगर वो चौखट से अलहदा हो जाए ना तो ठोकरों में आ जाता है। बहुत ही फजूल मिसालें देती हो तुम मुझे। युसरा के रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर दिया यार। बाबा उस लड़के के बारे में जज्बाती हो रही है, उसे प्यार से समझाएं समझ जाएगी। देखिए ना, आप तो उस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे, अब अगर उसके वालदैन ही नहीं ये बात समझ रहे, वो ही नहीं मान रहे, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। ये बात वो नहीं समझ रही है, कुत्सर हो गई है बहुत ज्यादा। वो मुझे लगता है कि मेरी शादी की वजह से वो डिस्टर्ब है, और मुझे ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। प्लीज बाबा ऐसी बातें मत करें, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए आपको कितना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला आंटी की सूरत में। कल को
यूसरा ने तो रुखसत हो जाना है, आप यहाँ अकेले इस तरह रहते। फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए था। मैं ये कैसे भूल गया कि वो इतनी इतनी हसास है। नहीं बाबा सॉरी, अगर मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता, बेशक हसास होगी लेकिन हसास से ज्यादा वो सेल्फिश हो रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है ना। आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए और आज नहीं तो कल बाबा वो ये रियलाइज करेगी कि जिंदगी में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है, और आप उसकी इज्जत ही करवाना चाह रहे हैं ना उसके ससुराल में। सब ठीक हो जाएगा तो होगा। वैसे फारूक को तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप मोहब्बत कर ली है ना तो पीछे मत हटना। वैसे फारूक तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर सकता, खुद तो पसंद की शादी कर ली है ना, उस औरत की शक्ल देखी, ना खानदान ना स्टेटस, पता नहीं सारी शरारत तुम्हारे लिए की। और नदीम बाबा की बीवी की तरह किसी गिड़े पड़े खानदान का नहीं है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो, हमारी तरह। एग्जैक्टली, अपने माँ बाप की अकलौती औलाद है और जाहिर है एक दिन उनकी तमाम जायदाद का अकलौता वारिस वही होगा। और वैसे भी पेरेंट्स कितने दिन तक अपनी औलाद से नाराज रहते हैं, एक ना एक दिन तो उसके पास आ ही जाएंगे। यही तो बात है, लेकिन बाबा को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? सब बातें समझ आती हैं उसे, लेकिन वो भड़काने वाली जो साथ है। लेकिन बात सुनो, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहना, दो दिन भूख हड़ताल करोगी ना फारूक तुम्हारी बात मान जाएगा। भूख हड़ताल? वो वाली भूख हड़ताल नहीं, अरे घर वालों के लिए भूख हड़ताल होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट क्लब सैंडविचेस और पिज्जास खिलाती रहूंगी चोरी चोरी। ये आइडिया अच्छा है। देख लो तुम्हारी मोहब्बत में हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन बाबा मेरी भूख हड़ताल की धमकी से डर जाएंगे ना। डर जाएंगे? अरे हाथ पांव फूल जाएंगे फारूक के। वैसे ही तुम उसे खुदकुशी की धमकी दे चुकी हो, दो दिन कमरे में बंद रहोगी ना, लग पता जाएगा फारूक सारी बातें मानेगा तुम्हारी। ठीक है फिर, मैं आज से ही घर में अपनी भूख हड़ताल की अनाउंसमेंट कर देती हूँ। लेकिन आंटी वो आप लेट नाइट ना बर्गर पिज्जा या कोई सैंडविच वगैरह ऑर्डर कर दीजिएगा, आप जानती तो हैं उससे भी मुझे ज़्यादा भूख लगती है। डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं जानती हूँ सब कुछ, रिलैक्स। फिर ठीक है, भूख हड़ताल है। मैंने यूसरा को कहा था खाने का, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बहुत जिद्दी है वो, जब तक मैं उसकी बात मानूंगा नहीं वो आएगी नहीं। बाबा वो जिद्दी नहीं है, नादान है, वो आपको ब्लैकमेल कर रही है खाना ना खा के, जानती है कि आपकी कमजोरी है वो तो, और मतलब हर जिद मानने वाली तो नहीं है ना। कल को वो कुएं में छलांग मारना चाहेगी, आप मान जाएंगे? वो सब ठीक है, लेकिन जब तक वो खाना नहीं खाएगी मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मैं जानती हूँ आप, मैं दोबारा ट्राई करूँगी। नहीं आप रुकिए, मैं जाता हूँ। आयना को चाहिए था कि वो उसे समझाए, वो भी उसके साथ मिल गई। अच्छा आप खाना तो थोड़ा सा शुरू करें। खाना खाने क्यों नहीं आए? सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। भूख नहीं है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इस तरह करने से तुम्हारे मसलों का हल निकल आएगा? मसला तो कोई है ही नहीं। हाँ ये अलग बात है कि आप लोग ने हर बात को मसला बना दी। देखो हम तुम्हारे अपने, क्यों तुम्हारा बुरा चाहेंगे? अपने? कोई अपना नहीं है मेरा। बाबा अपनी बेगम को प्यारे हो चुके और उनकी भतीजी को, मेरी खुशी से तो किसी को कोई गर्ज है ही नहीं। हमारे घर में कोई कुछ भी करता है सब जायज है, लेकिन सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए ही। आराम से बात करो। ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो मुझसे? तमीज नहीं है तुम्हें किस तरह बड़ों से बात करते हो? मुझे नहीं करनी किसी से भी बात।
जाए यहां से। यूसरा, इस तरह के फैसले जज्बात से नहीं अक्लो शऊर से किए जाते। भाई मुझे नहीं करनी किसी से बात, जाए यहां से प्लीज। तुमने बस अंकल से कहना है शादी के लिए ज्यादा टाइम ना ले, बस यही महीने डेढ़ महीने में शादी कर दे और फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। कितने सेल्फिश हो ना तुम हारिस, अपने मतलब के लिए मेरी अम्मू को जल्दी जल्दी भगाना चाहते हो। कमाल है यार, इसमें मेरा क्या मतलब, मैं तो चाहता हूँ अंकल के सर पे से नहीं जो फर्ज है जल्द से जल्द अदा हो जाए, और वैसे भी अच्छे रिश्तों को इनकार नहीं किया जाता। सब समझ क्यों मैं, मतलब ये जुदाई की दीवार जल्द गिरने वाली है। हमेशा तुम्हें अपनी पड़ी रहती है हारिस, क्या है यार, सच में कितनी जालिम हो तुम, इतना रोमांटिक मौसम है और मोहब्बत भरे दिल को तोड़ देती है। मुझे कुछ वक्त अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। हाँ तो हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे ना यार, किसने मना किया, वर्ल्ड टूर पर जाएंगे हनीमून के लिए और सब कुछ। हारिस मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होता है अनुजा, और तुम भी प्लीज ये जुल्म करना बंद कर दो। अनुषा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मैं चाहता हूँ मैं जहां भी जाऊं तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, हमारे दरमियान ये जो दूरियां हैं ना इसे खत्म कर दो प्लीज। क्या हुआ, चुप क्यों लग गई तुम्हें? माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है अनुषा, काश हमारा निकाह आज हो जाता और मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आता। अच्छा इधर डायलॉग मारने की जरूरत नहीं, बहुत सारे काम है मुझे, मैं फोन बंद कर। अनुषा 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 प्लीज बोलो। 5 मिनट रुक जाओ, मुझे ठीक तरह तुम्हें देखने तो दो, मैंने तुम्हें ठीक तरह देखा भी नहीं। हारिस तो आ रहे हो ना, देख लेना। हद कर दियो यार, लोगों की भीड़ में कैसे देखूंगा तुम्हें। तो एक काम करो, कल देख लेना, कल तो कोई रुकावट भी नहीं होगी, जितनी देर दिल चाहे देखते रहे। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे किया करता था और आज इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता। मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। तो मुझे भी नहीं चाहिए। हक महर के अलावा और क्या चाहिए तुम्हें, अभी मांग लो मुझसे, ये ड्रामा तो मत करो तुम। अब तुम मुझे लालची समझ रहे हो हारिस? पहाड़ में जाओ तो बहुत कड़ी मेहनत करना। हारिस, क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं कुछ भी नहीं, आपको कोई बात करनी है? वो मिसेस जलाली है ना, उनका फोन आया था, डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने। क्यों? मिलना चाह रही है वो तुमसे।
मम्मी आपकी दोस्त हैं, आप जाके मिले ना, आपको इनवाइट किया। तुमसे मिलना चाह रही है वो। उनकी भांजी है, इस्लामाबाद से आई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, तो प्लीज मेरे साथ चलो, मिल लेना ना उससे। तो क्या करूंगा मिलकर? क्या मतलब है क्या करूं? भाई शादी करनी है तुम्हारी, लड़की तो पसंद करूंगी ना, और क्या, इसलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो। अम्मी आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, मैं आपको कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी है। अब बस भी कर दो हारिस, कब तक तुम मुझे इस तरह से टालते रहोगे? बहुत हो गया, क्यों अपनी माँ को दुख देते हो? अम्मी आप समझने की कोशिश, कर लूंगा शादी, मगर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। कितना वक्त, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बल्कि यूं कहो ना कि माँ के मरने का इंतजार कर रहे हो, उसके बाद ही करोगे तुम शादी। सिर्फ उस लड़की की वजह से ना तुम मुझे अजियत पहुंचा रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो तुम। मम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें आप, क्यों करती हैं ऐसी बातें आप? आपको जल्द ये खुशी मिलेगी, पर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कह रहा हूं आपसे। खुद को समेट कर जोड़ने में वक्त लगेगा मुझे। अम्मी प्लीज प्लीज। अच्छा सुने, मैं चलूंगा आपके साथ, आप ठीक हैं? के अलावा भी मेरे बच्चे हैं जिन्हें मेरे अलावा को पूछता नहीं है। उमेमा थी, कुछ टाइम निकाल रही थी, लेकिन ओ अच्छा, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली मुझसे शिकायत की जा रही है ना? लाएं, मैं आपकी शिकायतें दूर करती हूँ, सॉरी लाएं। ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम से नहीं होगा बेटा, बात बात कट जाएगा। तो तुम शिकायत क्यों की? गलती होगी, इन्हें सिर्फ काटना उठना नहीं होता, इनकी सफाई भी करनी होती है, इनको पानी भी देना होता है। तुम बस इतना काम कर दिया करो, काफी है। अच्छा, लेकिन मैं तो आज सारे काम किया करूं। अच्छा भाई, चलो करो। अरे देखा बाबा, मैंने कहा था ना काट लोगी हाथ। बैठो यहाँ, बैठो। अच्छा बैठो भाई, हल्का सा कटे। अरे भाई अच्छा हल्का सा, देख एक मिनट बस। मना कर रहा हूँ सब चीजों का, लेकिन मजा रहे जो कभी तुमने मेरी बात सुनी हो, बस एक मिनट मैं हाथ धो लेती हूँ। अरे नहीं हो जाएगा, आराम से। बस बस बस, बस ये सुकून हो जाता है। पापा क्यों कर रहे इतना सब? अरे बस ये देखो, ये
बच्चे जब बड़ों की बात नहीं मानते थे ऐसी बच्ची नहीं मेरे लिए रहो और रहोगी हमेशा अपने काम बाबा को खुद किया करें मैं नहीं छोड़ूंगी जी शुक्रिया आइंदा आप कोशिश भी ना कीजिए के जाते ही मैं कितनी बड़ी हो गई बाबा अब सब कुछ मुझे अकेले ही करना है क्या हो गया दरवाजा नहीं खोल रही क्या तुम जाओ मैं देखता हूं युसरा बेटा दरवाजा खोलो युसरा खाने से कैसा गुस्सा बेटा युसरा बेटा अपने पापा की बात नहीं मानोगी इसने रात भर से कुछ नहीं खाया मुझे पता है फारूक मैं मास्टर की लात उससे खोल दूँ एक बात तो मेरे देना ही नहीं है मना युसरा बाबा दरवाजे के बाहर खड़े और नौकी किए जा रहे खोलना मत मैं पागल हूँ जो दरवाजे खोलूंगी बिल्कुल भी नहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आराम से बैठी रहो आपको पता है उनकी जो चालाक बीवी है ना उमैमा उसने क्या एडवाइस की है उनको मास्टर की लाने की लेकिन मैंने भी चलाकी दिखाई है अंदर से ही कुंडी लगा ली गुड बस अब रिलैक्स करो हाँ फारूक मुझे लग रहा है कि उसने अंदर से कुंडी लगा ली है अब क्या करूं मेरी तो मीटिंग है मुझे ऑफिस जाना है आप जाएं नाश्ता करें ऑफिस जाएं मैं देख लूंगी इसका ख्याल रखना प्लीज बिल्कुल फिक्र नहीं करें मैं रायना से बात करती हूँ ना वो खुलवा देगी मुझे दे जाएं Thank you.
अनुषा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं यार, वो फिंगर में बहुत पेन हो रहा है, मुझसे टाइप नहीं हो रहा। तो क्यों कर रही हो टाइपिंग, कुछ और कर लो। ये लेटर टाइप करना है ना, फिर उसको मेल भी करना। मैं कर देती हूँ, तुम ऐसा करो घर जाकर आराम करो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बस ये लेटर टाइप कर दो, मैं चाय के साथ कोई पेन किलर ले लेती हूँ। क्या हो गया तुम्हें अनुषा, इतनी छुट्टियाँ ड्यू है, क्यों तुम अपनी जान पर जुल्म कर रही हो? डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, घर जाकर आराम करो, ऐसा ना हो कि तकलीफ और बढ़ जाए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम बॉस को जरूर बता देना। फिकर मत करो, डोंट वरी, मैं बॉस को बता दूंगी, वो वैसे भी अभी मीटिंग में है और वो तुम्हारे काम से बहुत खुश है, कुछ नहीं कहेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। अरे तुम्हें तो टेम्परेचर भी हो रहा है। हाँ मुझे हल्की सी हरारत फील तो हो रही थी। फौरन डॉक्टर के पास जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सेप्टिक हो रहा हो। मैं साथ चलूं? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। तुम कार ड्राइव कर लोगी? हाँ बाबा कर लूंगी, इतना भी कोई बड़ा जख्म नहीं है। थैंक यू। ओके तेरे जाओ आराम से। अल्लाह हाफिज़। डोंट वरी मेरी जान, अरे दरवाजा तो मैं भी नहीं खोलूंगी। इन लोगों को अच्छे तरीके से तंग जो करना है। अच्छा सुनो, वो ड्रामा याद है ना तुम्हें, जब फारूक रात में आएगा जो करना है तुम्हें? जी जी आंटी याद है। गुड। अच्छा ये बताओ, वो जो सैंडविचेस मैंने तुम्हें दिए थे वो खाए तुमने? जी खा लिए, बहुत मजे के थे। थैंक यू। ओके स्वीट हार्ट, बाय। तुझे पता है तेरे दिल को पता।